ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हैबिट एजुकेशन चैनल पे। तो आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और उसी क्रम में हमने देखा था कि पुर्तगाली कंपनियां किस तरह से यहाँ पे आती है, कैसे वो संघर्ष करती है और कैसे अपने व्यापार को वो स्थापित करती है भारत में। ठीक है जी, जैसे आप जानते हैं कि पुर्तगालियों के क्रम में अगर देखें उनके गवर्नर और वाइसराय, जैसे अल्बुकर्क हो गया, फ्रांसिस्को हो गया और आपका नीनो डी कुन्हा हो गया, तो उन तीनों गवर्नरों के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली थी, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और आप जानते हैं कि अगर हम पुर्तगाली कंपनी के क्रम में हम आगे थोड़ा सा पढ़ें तो आपको पता है कि पुर्तगाली कंपनियों के आने के बाद यहाँ भारत में जो चेंजेस आए या फिर पुर्तगालियों ने यहाँ पर क्या भारत को दिया, आने के बाद उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें की जिससे भारत में विकास हुआ। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि पुर्तगालियों के यहाँ आने से प्रेस का विकास हुआ। ठीक है जी, दूसरे अगर बात करें तो आप जानते हैं कि गोथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ, है ना, गोथिक स्थापत्य कला का विकास यहाँ पर पुर्तगालियों के आने के बाद हुआ। और आप जानते हैं अगर इसी क्रम में देखें तो पुर्तगालियों के आने के बाद यहाँ भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो पुर्तगालियों के आने से यहाँ पर तंबाकू की खेती हुई। और अगर फलों के पौधों में बात करें तो आप जानते हैं अनानास हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, ये सारे जो है पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों के बाद ही इनका यहाँ क्रमबद्ध रूप से खेती होना शुरू हुआ। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमारे भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद हुई। तो आपको मैंने बताया था कि ये कंपनियां क्यों यहाँ पे आई थी, किस तरह से इन्होंने व्यापारिक कंपनियों के साथ साथ सत्ता में हस्तक्षेप करना आरंभ किया था। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ डचों के बारे में देखेंगे हम, अंग्रेज़ों के बारे में देखेंगे और हम फ्रांसीसियों के बारे में देखेंगे और उनका संघर्ष देखेंगे। ठीक है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो आप जानते हैं इन सभी कंपनियों में अंग्रेज़ों का बोलबाला यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहा है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम डचों के बारे में। तो अगर डचों की बात करें तो आप जानते हैं सबसे पहले डचों का आगमन 1595 में इनका आगमन हुआ था, 1595 एडी में। और आपको पता है 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, और मसूलीपट्टनम ने इन्होंने अपनी क्या की थी, कंपनी स्थापित की थी 1605 में। ठीक है जी, और आप जानते हैं कि ये जो डचों के सबसे पहले जो नेतृत्वकर्ता आए थे कहाँ से, हॉलैंड से, हॉलैंड मतलब नीदरलैंड। ठीक है जी, सबसे पहला जो पर्सन आया वो कौन आया था, कार्नेलियस हाउटमैन सबसे पहले व्यक्ति ये यहाँ पे आए इंडोनेशिया में। और आप जानते हैं इंडोनेशिया में इन्होंने मसाले और कपड़ों का, सूती वस्त्रों का व्यापार करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने देखा कि भारत में इतनी कंपनियां जैसे पुर्तगाली हो गए, है ना, पुर्तगालियों के बाद अगर बात करें हम डच आए और डच फ्रांसीसी, ये पुर्तगालियों को देख के इनको लगा कि क्यों ना हम भी भारत में जाके व्यापार करें। तो इन्होंने भारत में आके व्यापार किया, और आप जानते हैं इन्होंने भारत में व्यापार किया, सूती कपड़ों का व्यापार किया, मसालों का व्यापार किया। जैसे ही इन्होंने राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करना चाहा, उसी दौरान इनका एक संघर्ष होता है जिसको हम जानते हैं बेदरा के युद्ध से। तो डचों का ज़्यादा कोई बोलबाला यहाँ पे नहीं रहता, और 1769 में इनका एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। और इसी युद्ध में यही एक निर्णायक युद्ध होता है जिससे क्या होता है कि डच जो है अपनी यहाँ भारत में जितनी भी कंपनियाँ थी उन कंपनियों को बेच के यहाँ से स्थानांतरित कर जाते हैं, कहाँ को, इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया में अपने व्यापार को करते हैं, जो वहाँ पे उनका वस्त्र का व्यापार था। ठीक है जी, और वहीं पे मसालों का व्यापार करते थे वो। तो ये डचों के बारे में इतना ही मिलता है। और आप जानते हैं कि बाद में जब यहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों को अगर देखें तो इन्हीं दो कंपनियों में बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, और आप जानते हैं इन्हीं दो कंपनियों के बीच में बहुत सारे युद्ध भी लड़े गए। तो इन्हीं को हम देखेंगे और जितने भी इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो डचों के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की, तो आप जानते हैं अंग्रेज़
अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी में 217 पार्टनर थे, साझेदार थे, है ना। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। शुरू में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, जो इन पार्टनरों के द्वारा जो है बनाई गई थी। और आप जानते हैं इन्हीं पार्टनरों ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से एक आज्ञा, राज आज्ञा पत्र लिया, जिसमें क्या था कि ये पूर्वी एशिया में जाके 15 वर्षों के लिए व्यापार करें, है ना। इन्होंने एक परमिशन ली महारानी से कि हम जो है पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में जाके व्यापार करना चाहते हैं, तो आप हमें एक राज आज्ञा पत्र दे दीजिए। तो उनसे परमिशन मिली, और उस परमिशन में क्या था, ऐसा आप जानते हैं, उस परमिशन में ये था कि इन्होंने डिमांड की थी कि हम अगर यहाँ से पूर्वी राज्य यानी भारत में व्यापार करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमारा कोई भी कंपटीशन करने के लिए यूरोपियन कंपनी नहीं आएगी। तो आप जानते हैं यूरोप में क्या था, मशीनीकरण का दौर चल रहा था, और आपको पता है भारत में उस टाइम क्या था, हस्तकला, है ना। तो आप जानते हैं जो मटेरियल मशीनों से बन के तैयार होके आएगा उसमें फिनिशिंग और उसकी डिमांड ज़्यादा होगा, उसकी जो प्राइस वो भी सस्ता रहेगा, जिससे क्या होगा, हम जो है भारत में जाके अपना विस्तार और मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हमारा कंपिटिटर कंपनी कोई यूरोप से ही भारत हमारे साथ ही आती है तो हमें वहाँ पे कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा भारतीयों से, और अपनी ही कंपनी से हमें अगर कंपटीशन करना पड़ेगा तो हमारा क्या होगा, उसमें लॉस होगा, ठीक है। तो रानी ने इनको आज्ञा पत्र दे दिया कि आपका कंपटीशन करने के लिए कोई भी कंपनी यहाँ से नहीं आएगी। और उस दौरान इनकी कंपटीशन जो कंपटीटर कंपनी हुआ करती थी ब्रिटेन में, उसका नाम था न्यू कंपनी करके, न्यू कंपनी नाम की एक कंपनी थी जो किसकी कंपटीटर हुई, इस प्राइवेट ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसका नाम बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो है ये पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा इसका नाम, ठीक है। पहले ये को प्राइवेट कंपनी थी, और इसकी कंपटीटर कंपनी थी न्यू कंपनी करके, जो कहाँ पे, ब्रिटेन में इसकी कंपटीटर थी, ठीक है। तो अब रानी से इनको आज्ञा पत्र मिल गया। अब आप जानते हैं कि 1603 में महारानी की डेथ हो जाती है, एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है, और आप जानते हैं वहाँ के राजकुमार शासक जेम्स प्रथम तो जेम्स प्रथम ने क्या किया, जेम्स प्रथम ने इन कंपनियों के जो पार्टनर थे इनकी मदद करने के लिए अपने दरबार से एक व्यक्ति भेजे, जो कहाँ पर भेजे, भारत में इस टाइम जहांगीर का टाइम पीरियड था, और आप जानते हैं इसने यहाँ से अपना एक व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस को भेजा, जिसको कब भेजा, 1608 में भेजा। इसमें इसने एक फरमान, एक लेटर लेके आया है, ये किसके नाम का, अकबर के नाम का, और आप जानते हैं अकबर 1605 में ही निपट गया था। तो यहाँ पर किसका काल था, जहांगीर का काल था, तो इसने लेटर किसके नाम से लेके आया था, अकबर के नाम से लेके आया था, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं हम, जब ये राज्यसभा में पहुंचता है तो जब ये अपने अधिकारों की मांग करता है कि हमें जो है यहाँ पर अधिकार चाहिए आपके क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, तो आप जानते हैं यहाँ भारत में जो 100 साल से व्यापार कर रही कंपनी जो कौन थी, पुर्तगाली कंपनी, और इनके संबंध जो है किसके साथ, मुगलों के साथ बहुत अच्छे थे, और वहाँ के कुछ एक स्थानीय व्यापारी भी थे, उन सब ने इनका विरोध किया, किसका, कैप्टन हॉकिंस का, कि आपको जो है यहाँ पर आज्ञा परमिशन के लिए नहीं मिलेगी, और जहांगीर को बोला कि आप इनको आज्ञा नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके बाद भी इन्होंने काफी सारी रियायतें यहाँ से पाकर ये चले गए। अगर हम बात करें दूसरे व्यक्ति की, दूसरा व्यक्ति कौन आया अंग्रेजों की तरफ से अपना अधिकार, अपना व्यापार करने के संदर्भ में, तो आप जानते हैं दूसरा व्यक्ति कौन था, सर थॉमस रो। तो सर थॉमस रो 1615 से 18 तक जो है यहीं पर रहते हैं, और यार इसी जहांगीर के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी हद तक रियायतें पा लेते हैं, किससे, जहांगीर से, ठीक है जी।
तो आप जानते हैं अब अंग्रेजों की जो स्थिति थी, अंग्रेजों की स्थिति पहले से थोड़ी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उनको व्यापार करने के लिए क्षेत्र मिल गए थे कुछ हद तक, ठीक है। अगर हम चौथे व्यक्ति की बात करें तो चौथा व्यक्ति कौन था? एडवर्ड टेरी चौथे पर्सन थे जो कहां पर आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। किसको लेके? अपने व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। व्यापार करने के लिए इनको क्षेत्र की डिमांड थी, और क्षेत्र की मांग करने के लिए या फिर क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार लेने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के काल में पहुंचे थे, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट एक पर्सन और हुए जिसका नाम था विलियम फिंच, तो ये भी इसी क्रम में भारत में आए थे। तो आप जानते हैं अंततवा गत्वा इन्हें क्या होता है, अधिकार करने के लिए कुछ एक क्षेत्र मिल जाते हैं और यहाँ पर ये व्यापार करते हैं, ठीक है जी। तो अंग्रेजों ने, आप जानते हैं अंग्रेज सबसे पहले 1600 में इन्होंने कंपनी की स्थापना की, और उसके बाद 1608 में ये सूरत में कंपनी स्थापित करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ के लिए इनके इस काम को रोक दिया जाता है और 1613 में ये इसको पूरा करते हैं, ठीक है, इस सूरत की कंपनी को। और आप जानते हैं इसी क्रम में इन्होंने 1611 में एक कंपनी स्थापित की, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने ही एक कंपनी स्थापित की, मसूलीपट्टनम में 1611 में। तो आप जानते हैं कि अंग्रेज अब क्या करने लगे? व्यापार करने लगे, ठीक है जी। अब अंग्रेजों के सामने क्या क्या चुनौतियां थी? तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो इन्होंने गोलकुंडा के एक शासक, 1632 की बात आती है, 1632 में अंग्रेजों ने क्या किया, गोलकुंडा के शासक से इनको एक शाही फरमान मिलता है, सुनहरा फरमान मिलता है। वो क्या था कि उन्होंने इन्हें आज्ञा दे दी कि वो जो है ब्रिटिश मेरे क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, फ्री व्यापार कर सकते हैं। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और आप जानते हैं इसके बाद अगर हम बात करें 1717 की, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता है 1717 में मुगल सम्राट, आपको पता है कि 1526 से लेके 1707 तक का जो टाइम रहा ये बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और उसके बाद जो है अयोग्य शासकों की एक लाइन सी लगी, और उसी क्रम में 1717 में एक शासक हुए, मुगल सम्राट हुए, जिनका नाम था फरुख सियर। तो आपको पता है फरुख सियर ने क्या किया, फरुख सियर में 1717 में एक पर्सन आया इसके दरबार में जिसका नाम था हैमिल्टन ने क्या किया कि हैमिल्टन एक पेशे से एक वैद्य था, ठीक है, कुछ बुकों में अलग लिखा है तो आप निश्चित रूप से इसको देख सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक वैद्य का कार्य करता था। तो फरुख सियर के पूरे शरीर में क्या हुए थे, फोड़े निकल गए थे, तो इसने उन फोड़ों का इलाज करवाया, जिससे क्या हुआ, फरुख सियर बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो तो इसी चीज का वेट कर रहे थे, तो उसने भी कहा कि हमें जो है व्यापार करने के लिए क्षेत्र चाहिए। तो आप जानते हैं फरुख सियर ने फिर मात्र तीन हजार रुपए में क्या किया था, इन्हें बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था कि बंगाल के क्षेत्र में आप जाके व्यापार कीजिए, ठीक है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और जिसके कारण अंग्रेज जो है अपने व्यापार को बढ़ाने और अपने व्यापार को विस्तार करने और सत्ता में हस्तक्षेप करने के जो उद्देश्य थे उनके, वो उन्हें कहीं ना कहीं पूरे होते दिखाई दे रहे थे, ठीक है जी। और आप जानते हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सूरत वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो सूरत वाले क्षेत्र में इन्होंने 10,000 रुपए में इनको अधिकार दे दिया व्यापार करने का, ठीक है। और बंगाल वाले क्षेत्र में 3,000 रुपए में इनको अधिकार दे दिया। और इससे इम्पोर्टेंट एक बात, तो आप जानते हैं कि क्या हुआ 1661 में, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पहले अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में भी काफी संघर्ष हुआ, लेकिन 1661 में क्या होता है, 1661 में अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के बीच में वैवाहिक संबंध
बन जाते हैं। और आप जानते हैं जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने इन्हें क्या दिया, जो बॉम्बे का क्षेत्र था, है ना, पुर्तगालियों ने जो बॉम्बे का क्षेत्र इन्होंने जीता था उसको दहेज में दे देते हैं किसको, चार्ल्स द्वितीय को। अब चार्ल्स द्वितीय तो ब्रिटेन का है, वो यहाँ बॉम्बे में क्या करेगा, तो वो जानता है कि कंपनी का विस्तार करने के लिए वो कंपनी को इस बॉम्बे क्षेत्र को दे देता है। तो कंपनी को बॉम्बे का क्षेत्र मिल जाता है मात्र 10,000 पाउंड, है ना। तो 10,000 पाउंड वार्षिक रुपए में इनको जो है ये क्षेत्र मिल जाता है और यहाँ पर ये व्यापार करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी ये थी अंग्रेजों से। और आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर, आपने अंग्रेजों के क्रम में और अकबर के टाइम को देखा, जहांगीर के टाइम को देखा, अब औरंगजेब के टाइम को देखते हैं कि औरंगजेब के टाइम में 1707 के टाइम में क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने 1688 में क्या किया, जो बंगाल वाला एरिया था, हुगली नदी वाला जो एरिया था, हुगली पर कब्जा कर लिया, हुगली पर कब्जा किया और मुगलों के जो जहाज थे उनको नियंत्रण में लाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये काम किया अंग्रेज की तरफ से, कौन इसमें साझेदार थे जो इस काम को कर रहे थे, उनका नाम था सर जॉन चाइल्ड। तो इन्होंने अंग्रेजों के जहाजों को, मुगलों के जहाजों को अपने नियंत्रण में लाना चाहा। जब इस बात का पता औरंगजेब को लगता है तो वो बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इनसे युद्ध करने का निर्णय कर लेते हैं। तो युद्ध करने का निर्णय कर लेते हैं और 1688 में सर जॉन चाइल्ड्स और औरंगजेब के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें सर जॉन चाइल्ड्स पराजित हो जाते हैं और औरंगजेब जीत जाता है। और अंग्रेज जो है क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं किससे, औरंगजेब से, और कहते हैं कि गलती होगी, हम जो है आपको यहाँ जुर्माना दे देंगे। तो जुर्माना दे के ये अपने आप को भारत में रहने के क्रम में बचाने में सक्षम रहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ पर ये जुर्माना या फिर क्षमा ना मांगते तो हो सकता था कि औरंगजेब इनको यहाँ से निकाल देता, लेकिन इन्होंने यहाँ कूटनीति का प्रयोग करके औरंगजेब को जुर्माना दे दिया और कहा कि दूसरी बार हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आप जानते हैं, देखो जो अंग्रेज थे इनके कब्जे में मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, ठीक है जी। तो इन्होंने इन प्रेसिडेंसियों में कुछ अच्छे कार्य भी किए। तो जैसे कि आप अगर देखें तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण इन्होंने मद्रास में किया, अगर फोर्ट विलियम का निर्माण देखें तो इन्होंने कलकत्ता में किया, अगर हम बात करें फोर्ट लुई की तो पांडिचेरी में इन्होंने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं हम अंग्रेज और फ्रांसीसियों के, फ्रांसीसियों के क्रम में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा संघर्ष जो है इन्हीं के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम फ्रांसीसियों की बात करें तो आप जानते हैं फ्रांसीसी 1664 में भारत में आते हैं और 1668 में इन्होंने कंपनी स्थापित की, ठीक है। कंपनी कहाँ पर स्थापित की, तो सूरत में इन्होंने कंपनी स्थापित की। और आप जानते हैं कि 1669 में इन्हीं फ्रांसीसियों ने कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में एक कंपनी बनाई। आप जानते हैं ये फ्रांसीसी कंपनी लुई चौदवा के टाइम में, लुई चौदवा ने देखा कि यार भारत में जाके तो सभी समृद्ध हो रहे हैं, जैसे अंग्रेजों को देखा, पुर्तगालियों को देखा, तो उसी क्रम में इसने क्या किया, फ्रांसीसी कंपनी को भेजा कि आप भी जाएं और आप भी वहां पर क्या करें, व्यापार करें। तो उसी क्रम में ये आए और यहाँ पर व्यापार करना आरम्भ करते हैं, ठीक है जी। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पहले अंग्रेज, जब ये फ्रांसीसी नहीं आए थे तब तक तो अंग्रेजों का ठीक ठाक चल रहा था, जब ये फ्रांसीसी आते हैं भारत में तो अंग्रेजों को की मुश्किलें जो है बढ़ जाती है, अब अंग्रेजों के साथ युद्ध करने वाला कोई आ गया यहाँ। तो आप जानते हैं फिर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से कुछ क्षेत्र छीन लिए, है ना। 1673 में इन्होंने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, और आप जानते हैं 1674 में इन्होंने चंद्रनगर, माही और करिकल पर अधिकार कर लिया। तो फिर इस क्रम में अंग्रेजों की जो मुश्किलें थी वो और बढ़ गई, ठीक है। तो इसी को लेके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में
बहुत संघर्ष होते हैं, जिन युद्धों को हम जानते हैं कर्नाटक का युद्ध के नाम से, और कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ठीक है। तो ये युद्ध उत्तराधिकार को लेकर होते हैं, क्षेत्र विस्तार को लेकर होते हैं, और आप जानते हैं इसी क्रम में हम इन्हीं युद्धों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रांसीसियों के क्रम में कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ ये कब हुआ, तो आपको पता है 1746 से लेके 48 तक ये चला, है ना, 2 साल तक ये युद्ध चला। और आप जानते हैं इस युद्ध का कारण क्या था, इस युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेके ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ये क्या होता था कि जितने भी फ्रांसीसी अंग्रेज, ठीक है, अगर ये फ्रांसीसी और अंग्रेज ब्रिटेन में लड़ाई हो रही है तो वही लड़ाई भारत में होगी, है ना। इसी तरह से जिस भी क्षेत्र में, जहाँ अमेरिका में ये लड़ रहे हैं तो भारत में भी वही लड़ाई होगी, है ना। तो यही क्रम देखने को हमें मिलता है। तो 1746 से 48 तक युद्ध हुआ प्रथम, और इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके युद्ध हुआ। और इस युद्ध की जो समाप्ति है वो किस संधि से हुई, एला सापल की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई, और ये जो संधि हुई थी 1748 में ये संधि हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे युद्ध की। तो दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 54 तक, 54 तक चला, 1749 से 1754 तक, 1754 तक ये युद्ध चला, 5 सालों तक ये युद्ध चला। और आप जानते हैं ये भी किसको लेकर हुआ, ये हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर हुआ। अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक एक का सपोर्ट कर रहे थे, जैसे हैदराबाद में अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे और कर्नाटक में फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे एक एक पक्ष को, ठीक है जी। तो इन्हीं के बीच में संघर्ष होता है, और आप जानते हैं ये संघर्ष 5 सालों तक चलता है, और इस संघर्ष का जो खात्मा या समाप्ति होती है वो किस संधि से होती, पांडिचेरी की संधि से होती है, जो कि 1755 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो आप जानते हैं 1756 से लेके 1763 तक ये युद्ध चलता है, जिसको 7 वर्ष तक ये युद्ध चलता है, ठीक है। तो आप जानते हैं यूरोप में एक युद्ध हुआ, यूरोप और ब्रिटेन के बीच में ये 7 वर्षीय युद्ध हुआ, और वही कारण था कि भारत में भी ये युद्ध लड़ा गया। और आप जानते हैं कि इस युद्ध का जो समाप्ति हुई वो पेरिस की संधि से हुई, और पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। तो यही कारण था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में बहुत संघर्ष हुआ, किसको लेके, विस्तार को लेके, उत्तराधिकार को लेके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और इसी 1763 के क्रम में 1760 में एक निर्णायक युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ, तो उस युद्ध का नाम है बांडीवास का युद्ध। तो बांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेजों और किसके साथ, फ्रांसीसियों के साथ। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता होता है वो सर आयरकूट होता है। अगर हम फ्रांसीसियों की बात करें तो आप जानते हैं फ्रांसीसियों का जो नेतृत्व करता होता है वो काउंट लैरी होता है। इसमें काउंट लैरी पराजित हो जाता है, और जो ये सर आयरकूट है ये विजयी हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फ्रांसीसी जो है अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया। और इसी क्रम में हम अगर देखें तो आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध का नाम क्या है, सेंट थॉम का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ, जो 1748 में हुआ। अगर बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध में तो अंबूर का युद्ध लड़ा गया। अगर तृतीय कर्नाटक युद्ध में हम बात करें तो बांडीवास का युद्ध लड़ा गया। तो आप जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो हमने देखा पुर्तगालियों को हमने पढ़ा, डचों को हमने पढ़ा, फ्रांसीसियों को हमने पढ़ा, और अंग्रेज़ों को हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।